हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ साइन 30। ठीक है दोस्तों, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। ठीक है, आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ऐसी है साइन। ठीक है, और ये क्या साइन के साथ है, जो ये इसका एंगल है साइन 30, इसको बोलते हैं 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये जो इसका एंगल है, ये एंगल है, ये किस फॉर्म में है, ये है डिग्री फॉर्म में। ये क्या है, डिग्री की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ इस एंगल को रेडियन फॉर्म में लिखो, इसको रेडियन फॉर्म में लिखा जाता है पाई बाय 6। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने 30 डिग्री से पाई बाय 6 ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है और रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आज इसी वीडियो में हम वही सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया एक्सप्रेस इन रेडियन, मुझे रेडियन में एक्सप्रेस करना है ऑफ द फ्लोइंग एंगल। ठीक है दोस्तों, ये कोई एंगल है, ये डिग्री फॉर्म में दे रखा है, ये डिग्री है, इसको एंगल को डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने दो रिलेशन लिख करके हैं, फार्मूले लिख करके हैं। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, एंगल को डिग्री से रेडियन, डिग्री टू रेडियन, तो मैं उस एंगल को पाई बाय 180 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 180 बाय पाई कर देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, मुझे एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है रेडियन फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा, 60 डिग्री को सिंपली डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दो, पाए बाय 180, इसको काट दो तो क्या आ गया, पाए बाय 3, और इसको लिखेंगे रेडियन, तो मेरा आंसर क्या आ गया, पाए बाय 3 रेडियन आ गया। ठीक है दोस्तों, ये होता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया एक्सप्रेस इन रेडियन द फ्लोइंग एंगल, एंगल क्या मेरा 240 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको मुझे रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली तो क्या कर देंगे, पाए बाय 180, इसको काट दो, कितने में गया, 3 6 18, 3 8 24, 2 3 6 और 2 4 8, तो क्या आ गया, 4π/3 रेडियन। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया एक्सप्रेस इन रेडियन द फ्लोइंग एंगल, ये कोई एंगल दे रखे है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसके ऊपर ऐसा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं इसको रीड क्या करेंगे। ये एंगल है, इसको पढ़ेंगे 40 डिग्री, ये तो डिग्री है, इसको पढ़ेंगे 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने साइड में लिख रखा है, आइए पहले इसको देख लेते हैं। हाँ जी, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। ये तो आपको सबको पता है, पाइथागोरस प्रमेय में ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, 1 राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट के बराबर। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 और ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 40 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैं पहले डिग्री की फॉर्म में बढ़ाऊंगा, ये सारा मिनट है, इसको भी मैं क्या करूंगा, डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। जब ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब ये तो डिग्री में है ही है, बस मुझे 20 मिनट को भी डिग्री में बनाना है। ठीक है, आइए बनाते हैं। 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1/60 डिग्री के बराबर, यहाँ पर डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 20 मिनट की, तो 20 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 20/60 और यहाँ पे डिग्री, तो कट गया, तो 1/3 डिग्री के बराबर, 20 मिनट क्या हो जाएगा, 1/3 डिग्री के। आप ये ना करके सिंपल क्या कीजिए, अगर मिनट देर क्या है ना, मिनट 20 देर क्या है, इसको डिवाइड 60 कर दीजिए, जो आएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं। ये 40 डिग्री तो एज इट इज है, अब 20 मिनट की जगह मैं 1/3 डिग्री लिख सकता हूँ, 1/3 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं 40 + 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 40 थी
120 और 121 बटे 3 डिग्री। इसको सॉल्व करके ये क्या है, 121 बटे 3 डिग्री आ गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अभी डिग्री फॉर्म में आ गया, बस इसको क्या करो आप रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अभी डिग्री फॉर्म में आ गया तो रेडियन फॉर्म में क्या करते हैं, पाई बाय 180, पाई बाय 180। ठीक है दोस्तों, जो आएगा इसको सॉल्व करके वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया, 121 पाई बाय में 0, 18 3 54, तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। यानी कि इस एंगल को, ये डिग्री फॉर्म में था, इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके और पीछे क्या है रेडियन, रेडियन भी लिखना है, तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब एंगल आ गया मेरे पास, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे इस सारी स्टेटमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाँ जी, ये दो डैश ये क्या थे, सेकंड को दिखा रहे थे, सेकंड को दिखा रहे थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले मुझे क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप वाइज करेंगे, पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये सारा मिनट में आ जाएगा, फिर सारे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं। पहले सेकंड को लेता हूँ मैं, 15 ये सेकंड है। ठीक है दोस्तों, 15 सेकंड को मिनट में कैसे, 15 सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 15/60 कर दीजिए आप सिंपल, और ये मिनट का साइन आ जाएगा क्योंकि सेकंड से मिनट में कन्वर्ट आ गया, तो 1/4 और ये मिनट। ठीक है दोस्तों, अब 15 मिनट यहाँ है, इसको इसमें जोड़ दो, 15 मिनट ये और प्लस में 1/4 मिनट ये। ठीक है दोस्तों, इसको एलसीएम लेंगे, 1560 रख 61/4 मिनट। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आ गया, 15 डिग्री 61/4 मिनट। ठीक है, मैंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब इस मिनट को, अब इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, आइए चेंज करते हैं, 61/4 मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, मैंने बताया था 1/60 कर दो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, तो क्या आ गया, 61 + 61 और ये डिग्री में आ जाएगा, जो आएगा डिग्री में। ठीक है दोस्तों, तो 61 + 61 और 6 × 24, तो ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो अब ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बच गई मेरे पास, 15 डिग्री 61/240 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15 + 61/240। ठीक है दोस्तों, और 240 क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया। हाँ जी, 15 × 0 = 15 × 60 = 6 × 15 = 30 और 6 = 36 प्लस 61, इसको जोड़ेंगे, 36 + 61 = 240, ये क्या आ गया डिग्री। ये सारा क्वेश्चन कन्वर्ट करके अब यहाँ पे आ गया, ये मैंने सारा डिग्री में क्या बना लिया, ये बना लिया, 36 + 61 = 240 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन को मैंने डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल करना क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं क्वेश्चन, पाई बाय 180। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ये कटे कैंसिल आउट होएगा, 8 × 1 = 9, 6 × 1 = 7, 7 × 6 = 13, 9 × 3 = 20, नहीं कटेगा, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0 × 0 = 72, 7 × 2 = 36, 36 + 7 क्या होते हैं 43, तो ये क्या आ गया मेरा, और पीछे क्या लिखना है, यहाँ रेडियन भी लिखना है, रेडियन, तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर। इस एंगल को, इस एंगल को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, सॉरी सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, ये सारा क्वेश्चन डिग्री में आ गया, फिर डिग्री टू रेडियन का फार्मूला अप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये समझ आएगा किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सीखेंगे हम रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मुझे डिग्री में एक्सप्रेस करना है और एंगल किस में दिया, रेडियन में दिया है। ठीक है दोस्तों, या तो ऐसा लिखाओ, पाई बाय 4 / c, या इस तरह से लिखाओ, दोनों बातें सेम है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यानी कि रेडियन में, एंगल रेडियन में है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और मैंने लिखा क्या, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 / π। हाँ जी, ये क्या है, रेडियन में है,
तो मल्टीप्लाई कर दो 180 बटे में पाई, इसके साथ ये कट गया। हाँ जी, 4 चौके 16 और 4 5 20 तो 45 डिग्री। जब मैंने इस एंगल को, हाँ जी ये रेडियन में था, इसको डिग्री में कैसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे डिग्री में एक्सप्रेस करना है और एंगल क्या मुझे दिया है, रेडियन में दिया है। ठीक है दोस्तों, सिंपली क्वेश्चन है, ये ऐसे लिखा। ठीक है, और किसको, इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये रेडियन है ना, ये रेडियन का साइन है, रेडियन से डिग्री में। तो क्या करते हैं, 180 बटे में पाई कर दो, इसके साथ ये कट गया। 6 3 18 और कितने हैं, 7 3 21 210 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये क्या गया, मेरा राइट आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन डिग्री द फ्लोइंग एंगल। हाँ जी, ये कोई एंगल दे रखा है मुझे 1/4 C, इसका मतलब क्या है, रेडियन में है। ठीक है दोस्तों, 1/4 ऊपर मैंने बोला था, अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब रेडियन में होता है, ये रेडियन में है। ठीक है, हाँ जी, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था 180 बटे पाई, इसको काट देते हैं 4 चौके 16 और 4 5 20 तो 45 बटे पाई सा पाई, 45 बटे पाई आ गया, ये क्या गया, डिग्री आ गया। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। मुझे पता पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये 7 रख दी, इसको सोल्व किया 7 5 35, 7 4 28 और 3 31 बटे 22 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या गया, इसको मैंने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं आया, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 315 को 22 से डिवाइड करने पर आता है 14/7/22। ठीक है दोस्तों, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, यही आएगा। तो ये क्या है, डिग्री में है। ठीक है दोस्तों, इसको अलग अलग कर दो। हाँ जी, ये आ गया 14 डिग्री अलग लिख लिया और 7/22 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये तो 14 डिग्री आ गया, अब ये 7/22 डिग्री, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, इसको भी आगे सोल्व करना है। अब ये तो डिग्री में आ गया, अब इस डिग्री से मैं क्या करूँगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, आइए इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। ये 14 डिग्री आ गया, 7/22 ये डिग्री है। हाँ जी, डिग्री से मिनट में कैसे जाएंगे, जैसे मिनट से डिग्री में आए थे तो 1/60 किया था, यहाँ मुझे डिग्री से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे। ये मैंने डिग्री से क्या बना दिया, इसको मिनट में बना दिया, इस डिग्री को मिनट में बना दिया। ये तो 14 डिग्री है, 14 डिग्री, हाँ जी, कितने पे गया, ये 11 पे गया और ये 30 पे गया, ये आ गया 20 बाय में 11, ये किस में है, मिनट में है। ठीक है दोस्तों, ये 14 डिग्री है, ये डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये डिग्री है 14 डिग्री। 210 को 11 से डिवाइड करो, 210 को 11 से डिवाइड करने पर क्या आया, 19/1/11 आएगा। ठीक है दोस्तों, 11 की 19 के साथ 209 और एक 210, 210/11 ये किस में है, मिनट में है। हाँ जी, इसको लिख लो 14 डिग्री 19 मिनट, एक अच्छी वैल्यू आ गई मेरे पास, पर 1/11 मिनट फिर बच गया मेरे पास। इस 1/11 मिनट को किस में चेंज कर दो, सेकंड में, क्योंकि मिनट से छोटा क्या, सेकंड, इससे छोटा कुछ नहीं है, बस सेकंड तक ही रुक जाएंगे हम। 1/11 मिनट को सेकंड से चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई 60 करूंगा, ये क्या बन गया, सेकंड में, ये इसका मतलब सेकंड था। ठीक है दोस्तों, 14 डिग्री 19 मिनट, हाँ जी, ये क्या बन गया, 60/11 सेकंड, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, 14 डिग्री 19 मिनट। हाँ जी, 60/11 करेंगे, 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11.5 आएगा, तो इसको सिंपली 5 लिख लेंगे, ये आ गया 5 मिनट, तो ये आ गया इसका राइट आंसर। तो इसको 1/4 रेडियन था, ये 1/4 रेडियन एंगल था, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड, तो ये क्या आ गया, मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। करना क्या है, पहले ये था रेडियन था, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, पर ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इस तरह से। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 335 को 22 से किया, आगे चलते चलते फिर ये डिग्री में आ गया, डिग्री से मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट में आ गया, फिर मिनट को मैंने 19 मिनट अलग लिख लिया, फिर 1/11 मिनट इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई करके आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आएगा, किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री किस तरह से चेंज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।